अस्सलाम वालेकुम मेवास, क्या हाल चाल हैं आपके। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की मज़ेदार सब्ज़ी। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी होती है। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत आसान सब्ज़ी है, बहुत मज़ेदार है। गर्मियों में जब हर वक्त गोश्त खाने का दिल ना हो, कोई हल्की फुल्की सब्ज़ी का दिल चाहे तो आप ये इजीली घर में बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, आसानी से बन जाएगी। तो मैं आपको इसकी जो अज्जा हैं वो बता देती हूँ। 3 पाव फूल गोभी है जिन्हें धो के काट लिया था, 1.5 पाव आलू हैं, 3 दरमियानी प्याज है, 3 दरमियानी टमाटर, 1.5 चम्मच पिसे लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, नमक हसबे जायका, तेल 1/4 कप। सबसे पहले ऑयल को गरम करेंगे। गरम हुआ ऑनियन देंगे 1, फ्राई होगी तो हम इसमें लहसुन अदरक भूनेंगे। प्याज फ्राई हो गई तो लहसुन अदरक, लहसुन अदरक भुन जाएगा, जीरा भी, तो ये हम इसे मसाले, मसाला भुन चुका है तो ये गोभी आलू है जो हमने कटी हुई डाल दी है, और ये टमाटर है, नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, चम्मच चलाएं इसको। बहुत आसान है, आसानी से बन जाती है। दोबारा हम इसे ढकेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, इसमें मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है, ये अपने ही पानी में पक रहा है। इसी तरह ये पकता रहेगा। हम इसको दोबारा ढक देंगे। बिल्कुल तैयार हो चुकी है गोभी आलू की सब्ज़ी। बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये हमारी गोभी आलू की मज़ेदार सब्ज़ी जो है ये बहुत आसानी से बन गई है। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।